हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो बात यह है, सुबह से मैं वीडियो नहीं बनाने की कोशिश कर रहा था। वजह है यार, बारिश से मैं भी उब गया हूँ, पर बारिश छूटने का नाम नहीं ले रहा। आज पूरे दिन बारिश हुई है, पर फिर भी मैंने चलो यार हो जात रात शाम के करीबन 6:30 हो रहे हैं, लेकिन बारिश में ही मैं वीडियो बनाने को किया कि जी वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं आज हालत क्या हो गई है मेरे शॉप की। बड़े बुरे हालात हो गए हैं, जो बता नहीं सकते कि ऐसे भी हालत हो सकते हैं बारिश के कारण। बारिश जितना अच्छा चीज़ होता है उतना ही बुरा भी चीज़ होता है। तो लेकिन मेरे साथ तो आज बुरा हुआ। पहली बात, करवा चौथ का समय है, साड़ियाँ बिकने वाली थी, आज बहुत काम रहता, लेकिन बारिश ने पहला तो काम खराब कर दिया, जो काम नहीं है, क्योंकि तो बारिश में लोग खरीदारी करना नहीं पसंद करते हैं। 13 तारीख को करवा चौथ है और काम की वजह, काम में लोग खरीदारी ही बंद कर देंगे तो खरीदारी नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, दुकान में पानी की बारिश हो रही है ऐसे लग रहा। वजह है, ऊपर क्या है ना, है तो सीमेंटेड, लेकिन हुआ है कि ऊपर है एल्वेस्टर, जो पहले जो दुकान नहीं बना था ना, तो पहले एल्वेस्टर रखा हुआ है, उसकी वजह से वो ऊपर है, तो वो उसकी वजह से पानी जम जा रहा और पानी बह नहीं रहा बढ़िया से। वो पानी चू रहा है, आपको दिखाता हूँ मुझे कितना पानी चूहा है दुकान में और क्या हालत है दुकान का। लहंगा तक भीग गया। मैं गेट से शुरुआत करूँ तो देखो जी, यहाँ पर भी पानी चू रहा है और गेट पर भी पानी चू रहा है। इधर तो अपना ये परमानेंट है भैया, चूता है और कच्चे बनियान भीगी जाते हैं, क्या कहें। इधर से यहाँ पर से साड़ियाँ भीग रही है, देखो जी यहाँ टिप टिप पानी चू रहा है। और सेकेंड, हमारा जो बेस्ट साड़ी था ये भी भीग रहा है भाई, जो नेट की साड़ी है ये भी भीग रहा है, और इसको भी कैसे कैसे इधर उधर कर कर करके आदमी बचा रहा है, पानी चू रहा है। यहाँ पर तो नदी जैसे बहती है वैसे बह रहा है, कितना स्पीड देखो जी इसका पानी गिरने का। सेकंड थिंग ये देखो, यहाँ पर भी अपने पानी हो गया और लहंगा भी भीग रहा है यार अपना, तो बारिश की वजह से अब लहंगे को भी क्या करें, बचा नहीं पा रहे हैं। कितने बुरे हालात हो गए हैं, ये भी भीग रहा है, क्या किया जाए अब, आप भी बताओ जी। हमारा मालिक रेंट का दुकान है भैया। ओहो देखो जी, दूसरा चीज ये है दुकान का बेसमेंट, तो बेसमेंट में भी पानी भर गया है, क्योंकि बेसमेंट में पानी आगे से आ रहा है, वो दिखाता हूँ। वो मेन चीज है कि क्यों बेसमेंट में पानी भर रहा है। फिलहाल बस तो मैं पीछे का थोड़ा सा दिखा दूं, जहाँ क्या कंडीशन है इधर का। ओके, ये देखो जी, सब अपना सिस्टम वस्टम भी रखे हैं, तो ये सिस्टम वस्टम भी इधर रखना पड़ा, और यहाँ पर पानी चूरा है। देखो ये हालत है, और ये सारे भीग गए हैं, ऊपर से ये कपड़े भी भीग रहे हैं, देखो ये चूरा है। इनको भी बचाने की कोशिश करते हैं, जो बच जाए उसको तो बचाना ही पड़ेगा। और ये भैया बच जाओ, अंदर जाओ, तुम भी अंदर जाओ, ये सबको बचाते बचाते भाई हम ही भीग जा रहे। क्या किया जाए, हालात बहुत बुरे हैं, बता नहीं सकते। देखो ये हालत है, ये है बूंदाबांदी बारिश की कारण शॉप का बुरा हाल। टप टप बरसा, टिप टिप बरसा बानी, तो क्या करे हम काजी, अपने हाथ में थोड़ी है सब कुछ। लो जी, हमारे मालिक साहब का फोन आ गया लग रहा है। हाँ भाभी, हाँ भाभी, बात है दुकान के अंदर का। अब इसके आगे चलते हैं, जो मेन सरप्राइज है जो आप लोगों को दिखाना जरूरी है, तो जो मेन चीज है उसको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगी। और वो मेन चीज है इस वीडियो का पार्ट ऑफ पार्ट, पर उसके लिए यार छतरी खोलनी पड़ेगी, छतरी के बिना वो वीडियो बन नहीं सकता है। छतरी हम खोल लेते हैं, छतरी हम खोल लेते हैं, छतरी है रहा, देखो जी
छतरी, और छतरी को खोलने के बाद हम करेंगे आपको वीडियो का मेन चीज, आपको बताएंगे कि जी क्या है वीडियो में मेन बनाने का मेन मोटिव और मेन कारण ये है। दुकान के आगे बन गया है सुरंग, ये सुरंग की वजह से देखो जी दुकान के आगे ही जस्ट सुरंग बन गया है। वेरी गुड, बहुत गहरा सुरंग, क्या किया जा सकता है। सुबह सुबह जैसे शॉप पे आए वैसे ही देखने के बाद पता चला कि आगरा से लेकर दिल्ली का जो गुफा थी वो खुल चुकी है। और ये गुफा ऐसा है जो इसमें अभी तक 10 ट्रैक्टर मिट्टी डल चुकी है, लेकिन अभी मलबा डालने के बाद भी ये भरा नहीं है। और गुफा दिखाते हैं कैसा गुफा, 10 ट्रैक्टर मलबा डालने के बावजूद भी सिर्फ इतना भरा है और अंदर का पता ही नहीं चल रहा है जो कितना गुफा है। 50 फुट की गहराई। और दुकान का कंडीशन भैया, दुकान तो खोल ही रहे डर के मारे जो कल क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। और पब्लिक की भीड़ बहुत है। बस भाई कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो भाई, यहाँ पे देखो क्या नाम है, कल हल्की सी बारिश हुई थी, छोटा सा गड्ढा था, अब हम सुबह आके देख रहे हैं यहाँ बहुत ही ज्यादा गड्ढा। सुबह से 17 ट्रैक्टर मलबा चला गया है, अभी तक पता नहीं चला है, अभी भी संभावना है 15-20 ट्रैक्टर की। अब चलो आगे हम आपको गड्ढा दिखाते हैं। चलो जी चलो। दो दुकान है, डायमंड गार्मेंट्स कपड़े वाला दुकान है और रंजीत मोबाइल सॉल्यूशन मोबाइल की दुकान है। इस दोनों के नीचे ही डिजिटल का बोर्ड रखा है, देखो बोर्ड को हटाते ही सुरंग दिखने लगेगा। भाई ऊपर से लग रहा बराबर है लेकिन नीचे पूरा सुरंग खुल गया है, आगरा वाला सुरंग। ये भाई देखो, हमारे भाई बगल वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी क्योंकि भैया दुकानदारी करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और इतना मलबा जा चुका है ये भी पता ना धीरे धीरे अंदर चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो ये भाई सुबह 6 बजे से आगे खड़े हैं, ये 6 बजे से देख रहे हैं भाई ये कैसे सुरंग बन गया, पता ही नहीं चल रहा इनको। ये भाई नाराज है। ऐसा है, हाँ जी, एक बैंकर बना था SBI बैंक का, हाँ, जो हमारे मिश्रा जी चला रहे थे, हाँ, और मिश्रा जी आज आए नहीं इस कारण हमारा थोड़ा सा दोस्तीकरण हो गया, मगर उसको हम समय रहते हुए ठीक करवा देंगे। चलिए जी, ये ठीका ले रखे थे लेकिन देखिए भाग रहे हैं ठेकेदार साहब, ठेकेदार साहब भाग रहे हैं। आपको भी अगर बारिश अच्छी लगती है तो जरूर बताइएगा, मुझे तो भाई बारिश एक लिमिट के अनुसार अच्छी लगती है। इतनी ज़्यादा बारिश, कल रात से बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मैंने वीडियो नहीं बना पाया पूरे दिन, आदमी ऐसा ही गेम वोम और मूवी वूवी देखता रह गया। लेकिन अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताएं जो कैसा वीडियो लगता है आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब आपके लिए मैटर नहीं करता लेकिन इस छोटे भाई के लिए, आपके छोटा भाई बोल सकते हैं, बड़े भाई के लिए बोल सकते हैं, बहुत मैटर करता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, गुड नाइट, बाय, टाटा, सभी को शुभ रात्रि।